भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। सीहोर जिले में भारी बारिश, कई जगह आफत की बारिश बन गई। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर कुलांस नदी में उफान आ जाने के कारण बिल्किसगंज से भोपाल जाने वाला सीहोर भोपाल मार्ग पर पानी आ जाने के कारण बंद हो गया। वहीं कुलांस नदी का पानी बढ़ने के कारण सड़क और कई खेत जलमग्न हो गए। इसके अलावा रामाखेड़ी गाँव के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। समाज सेवी और किसान MS मेवाड़ा ने बताया कि कुलांस नदी के पानी रामाखेड़ी गाँव में घुस जाने से ग्रामीणों की नींद हराम हो गई, लोगों का घरों का सामान खराब हो गया। वहीं खेतों में पानी भरने से फसल भी खराब हो गई। ग्रामीणों ने शासन से तुरंत सर्वे कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करने की मांग की है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। हम प्रेम भाई और रामाखेड़ी की रहने वाली, और हमारे घरों में पानी भरा गया, इतने की दिक्कत पड़ रही। दूसरा घर में सामान उधर गया, कच्चा घर बन गया, गिर गया घर ही। हाँ, भीतर ही गिर गई, गल्ला सब भींज गया, कांदा प्याज सब भींज गया, कहीं भी नहीं बचे, सब दे गया पानी में, और घर में पानी भरा गया। रोटी करने खाने की टाई बनी है हमारे, तो फसल भी तबाह हो गई सारी। फसल नहीं है, सब्जी पूरी होटल का भी नहीं, होटल में से नाश्ता मंगवाना खवाया, आज सब पूरी गई, छोरा छोरी भी नॉन गया पूरा। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।